ये दिखने में इतना सुंदर है, देखिए। थोड़ा तो टाइम लगता है, आप रेडी करोगे फिर खाओगे, इसे भी आप पूरा ना काट के भी आप ऐसे डाल के खा सकते हो। लेकिन इससे क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है हम लोग कितने सारे ज़्यादा फ्रूट्स कंज्यूम कर लेते हैं। और मैंगो, मैंगो में आधा ही लूँगी और बनाना आधा लूँगी। फिर आपसे मिलती हूँ, रेडी करेंगे मेरा लंच, और लंच के बाद इवनिंग तो नहीं, हाँ इवनिंग से पहले। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, सुबह मैंने चाय बनाई थी लेकिन पिया नहीं। और हाँ, मदर्स डे का फूल कितना सुंदर खिल गया है, बाहर भी धूप बहुत सुंदर निकल गया है। और मैं मेरा दिन का पहला प्लेट लेके शेयर करते हुए ये खा लूँगी। और हाँ, इसमें सिर्फ फ्रूट्स नहीं है, इसमें ढेर सारा चीज़ है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग को शुरुआत करते हैं, और आपको देखना है जो दिन भर मेरे डाइट में क्या क्या रहता है जो मुझे हेल्दी रखेगा। ये पूरा बिल्कुल क्या मैं बोलूँ, घर की लेमन फ्रेश। अभी वर्कआउट ख़त्म करके आई हूँ और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैं जो डाइटिंग कर रही हूँ उसमें मैं क्या क्या खा रही हूँ दिन भर। तो आजकल मैं थोड़ा चाय कम कर दी हूँ। अगर आपको चाहिए उसके साथ आप होनी ले सकते हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लूँगी। ये पीने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वाह, बिल्कुल गर्म पानी नहीं है, पूरा नॉर्मल वाटर के साथ हाफ लेमन ले ली। उसके बाद हम लोग मेरा दिन भर का डाइट में जो खाऊंगी वो बनाऊंगी, एक खा लूंगी और एक रख देंगे 3-4 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल के खाने वाली हूँ। तो चलिए रेडी हो जाइए, आज का ब्लॉग ओनली आफ्टर वर्कआउट के बाद मैं क्या खा रही हूँ। ये चिया लाई हूँ, इसको पहले मैं पानी में भिगो के रखने वाली हूँ। ये रख देंगे, और ये जो ओट्स है ना, मैं उसको पाउडर बना के लाई हूँ, ये दिखा देती हूँ। 1 कप दूध और हनी, और ये 1 टाइप ऑफ प्लम्स है जो कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। जिसका नहीं चाहिए और नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा यूज़ करना पसंद करूँगी। और ढेर सारा ये फ्रूट्स जो आपके पास है, ऐसा नहीं कि मैं सब डालूँगी,
इतना बड़ा केला तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए पहले मैं फ्रूट्स को काट देने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने बहुत बार मैंगो चाट बना के आपको शेयर किया, आप बनाइए और खाइए। ओ इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी क्या मैं बोलूँ। आपका इच्छा के अनुसार जितना आपको ज़रूरत होगा उतना ही लीजिए, और जो आपको पसंद वही फ्रूट्स लीजिए। जब आप डाइटिंग में रहोगे ना, अगर आप अच्छे से डेकोरेशन करके कुछ भी फूड खाओगे तब तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, और आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप फूड को देखते ही आपका भूख चला जाएगा तो आप खा भी नहीं पाओगे। फिर कुछ दिन के बाद आपको फिर वही सब खाना अच्छा लगेगा जो आप छोड़ चुके हो। तो ये हो गया मेरा फ्रूट्स, अभी ये क्लीन करने के बाद आपसे मिलती हूँ और रेडी करेंगे। तो चलिए रेडी करते हैं। ओट्स आप मैं मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, आप ऐसे ही पूरा ले सकते हो, लेकिन पूरा आधा लीजिए, मैं तो आधा ही लिया, उसको पाउडर कर दिया। तो ये रहा ओट्स, इसके साथ हम लोग ये जो चिया सीड है इसको मैं आधा कर दूंगी। तो चलिए अभी मिक्स करते हैं फ्रूट्स को। मैं भूल गई इसको कटिंग करने के लिए, थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं जल्दी जल्दी। ये प्लम्प है, आप डेट्स भी दे सकते हो, आपको जो भी पसंद। ऐसा नहीं कि मैं देखती हूँ भुवनेश्वर में बहुत सारा फ्रूट्स नहीं मिलता है, तो आपका जहाँ भी रहते हो जो भी फ्रूट्स आपको मिलता है आप खा सकते हो। लेकिन हाँ, मैंगो और बनाना बहुत मत खाइए, तो क्योंकि हम लोग को ध्यान में रखना है जे किस लिए हम लोग ये खा रहे हैं। तो अभी फ्रूट्स को मिला देंगे। मैं ये भूल जाती हूँ, वाह ये हो गया मेरा।
चलिए इसको मिलाएंगे। ये मेरा बहुत फेवरेट है तो मैं इसको सब डाल देती हूँ। ब्लूबेरी छोटे छोटे पेड़ में इतने सारे होते हैं और टेस्ट में भी काफ़ी है, अच्छा है। तो पहले हम लोग दूध मिलाएंगे। मैं एक में एक कप दूध मिला दी और देखिए कैमरा को थोड़ा नीचे करती हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा और यह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा फूलेगा। तो मैं इसके साथ ढेर सारा फ्रूट्स को मिला लूँगी और ये मेरा 2-4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। इसमें मैं ढेर सारा और भी ऑरेंज भी आप मिला सकते हो, यहाँ तो मुझे पसंद है। मुझे तो ढेर सारा फ्रूट्स पसंद है इसीलिए मैं सब मिला लेती हूँ। बस ये अभी मैं खा लूंगी। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और ये अभी मैं पैक करके फ्रिज में रख सकती हूँ। देवाशीष अगर पसंद करेंगे खाएंगे, नहीं तो ये मेरा इवनिंग के लिए हो जाएगा आराम से, कुछ भी नहीं। और जो मिल्क में ऐड करती हूँ ये फैट फ्री है तो एक कप मिल्क भी ले जाते हैं। और इसके अंदर डाल देंगे। और फ्रूट्स के साथ अगर आपको चाहिए तो आप हनी लीजिए, नहीं तो प्लीज़ आप जितने ज़रूरी है अगर आप अवॉइड करोगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग एक मिशन में है, वर्कआउट कीजिए और अच्छा हेल्दी फूड खाइए। तो इसको मैं ये सब डाल दूँगी। ये नीचे रह गया है और इसको मैं आराम से एल्युमिनियम फॉइल में ये रह गया मेरा 3 घंटे के बाद की खाना। ऐसा नहीं कि मैं ये सब रेगुलर खा रही हूँ, लेकिन हाँ वर्कआउट के बाद अगर आप यही सब खाना प्रिफर करोगे रेगुलरली तो थोड़ा वेट कंट्रोल में आएगा। तो मैं थोड़ा खा के देखते हैं। देखिए ये पूरा फूला है और कैसा टेस्ट भी है। बहुत अच्छा।